गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे सांख्या एवं शब्द हमारा जो पहला काव्य है उसमें से हमने सांख्या कल देखी, आज हम शब्द देखते हैं। ये जो यहाँ पे जो कुछ एक पांच छह पंक्तियाँ हैं, ये बच्चों आप ध्यान दोगे तो ये आठवीं में भी करके आए हो, बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध पंक्ति है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ते कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पे कबीरदास जी द्वारा ये लिखी हुई पंक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हम सबसे कहते हैं, मोको यानी मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, हे भक्त तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे ही पास में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ पे ईश्वर कहते हैं देवल यानी मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। काबा यानि मुसलमानों का यात्रा करने का पवित्र स्थान, और कैलाश यानि हिंदुओं के यात्रा करने का ये जो पवित्र स्थान होता है वह जगह। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ना मैं, यहाँ पे कहते हैं ईश्वर के ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में। यहाँ पे ईश्वर कहते हैं कि आप मुझे जो क्रिया कर्म कांड करते हो मैं उसमें भी नहीं हूँ, और ना ही तो मैं कोई योग और बैराग, यानी कि मैं कोई ऐसे जो संसार का त्याग किया जाता है, ऐसे सांसारिक त्याग करने की मोह माया सब जो छोड़ते हैं उसमें, ऐसे कोई वृत्ति में भी नहीं हूँ, मैं किसी भी योग वैराग में नहीं समाया हुआ हूँ। खोजी हो तो तुरते मिल हो, तुरते यानि तुरंत, मिल हो यानि मिलोगे, पल भर की तलाश में आप मेरी खोज करोगे तो मैं आपको तुरंत ही मिल जाऊंगा। ऐसा कौन कहते हैं? ईश्वर। किससे कहते हैं? भक्तों से। पल भर की तलाश में, मैं क्षण भर में ही, पल भर यानी क्षण भर में ही आपको तलाश करने पर मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर तो हम सबके श्वासों में समाये हुए हैं, ईश्वर को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से इत्मीनान से देखेंगे तो ईश्वर हमें सब इंसानों के भीतर देखने को मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चों, हम किसी दुविधा में हैं, हम किसी परेशानी में हैं, उस समय अगर कोई अजनबी इंसान हमारी मदद करता है तो वो इंसान किसी भगवान के कम नहीं होता, मतलब वो इंसान भगवान के समान होता है जो हमारी सहायता करता है, और हम कितने खुश हो जाते हैं। और हर एक इंसान के भीतर भगवान रहते हैं, ऐसा यहाँ पे कबीर ने शब्दों के माध्यम से कहा है। अब बच्चों यहाँ पे उसके जो कुछ एक यहाँ पे प्रश्नोत्तर है वो भी हम साथ साथ में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मानसरोवर के कवि का क्या आश्रय है? तो मानसरोवर से कवि कहना चाहते हैं कि मानसरोवर में रहने वाले हंस वो मुक्त रूप से मोती चुन रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं, और वो ये जगह को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार से आत्मा जो है, जिस परमात्मा में लीन हो गई है उसी में खुश है, वो अपने परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह पे अर्थात मनुष्य नहीं जाना चाहता। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की ये कसौटी बताई है कि ईश्वर जो होता है वो सच्चे भक्त को ढूंढते हैं, लेकिन संसार में उनको कोई भी सच्चा भक्त नहीं दिखाई देता। लेकिन जब ईश्वर को कोई सच्चा भक्त दिखाई देता है तब सारे के सारे विष भी अमृत समान हो जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में यहाँ पे कवि ने कहा, बताया है कि जो इंसान ज्ञानी है और वो हाथी के ऊपर सवार होकर घूमता है, अर्थात उसका बहुत मान सम्मान होता है, तो दुनिया जो होती है उसके यहाँ पे उसके पीछे भौंकती रहती है, अर्थात दुनिया उसकी अलग बातें करती रहती है, उसकी निंदा करती है। लेकिन दुनिया का काम यही है, दुनिया हमारी निंदा करेगी सो उसको करने दो, हमें अपने जीवन में निरंतर आगे उनकी परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहना है।
इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाते हैं? इस संसार में सच्चे संत जो है, यहाँ पे कबीरदास ने हमें बताया, जैसे कि ये जो दोहे हैं ना, उसमें हमें बताया कि जो पक्ष विपक्ष नहीं करता है, जो इस संसार को भूल गया है और जो निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दोनों दोहों के में से हम देखें तो काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, अर्थात यहाँ पे जो हिंदू है वो राम की पूजा करता है, जो यहाँ पे मुसलमान रहीम को मानता है। हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी है, मुसलमानों का यहाँ पे काबा है। तो जो ये भेदभाव भूल जाता है और ईश्वर में एक होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। अंतिम में ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना होई, इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, हमारी करनी ऊंची होनी चाहिए। अगर सुबरन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोई, अगर सोने के कलश में अगर मदिरा भरी है तो भी वो निंदा का पात्र बनेगी, चाहे को सोने का कलश क्यों ना हो, लेकिन वो निंदा के पात्र ही क्यों, क्योंकि उसमें शराब है। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कर्मों से होती है, आखिरकार कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कर्म यानी कार्य, हम कैसा कार्य करते हैं, हम किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा कार्य कैसे होते हैं, उससे इंसान की पहचान होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब ये पंक्तियों को समझानी है। ये यहाँ पे ज्ञानी इंसान के बारे में बताया, ज्ञानी इंसान हाथी में अर्थात हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होता है और ज्ञान मतलब ज्ञान रूपी उसका जो आसन होता है उसके ऊपर जो आसन होता है उसके ऊपर वो सवार होता है और उसको देखकर निंदा दुनिया जो है वो उसकी निंदा करती है, लेकिन दुनिया का काम है यही निंदा करना, हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते जाना है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, शब्द में से ये है, मनुष्य ईश्वर को काबा कैलाश मंदिर मस्जिद क्रिया कर्म योग बैराग कर्मकांड में ढूंढते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है कि जहाँ पे ढूंढना है आप तो मुझे पल भर की तलाश कीजिए, मैं आपके भीतर ही समाया हुआ हूँ। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि अगर इंसान अगर यहाँ वहाँ ईश्वर को ढूंढता है तो ईश्वर नहीं मिलेंगे, बल्कि ईश्वर तो यहाँ पे सब इंसानों के भीतर समाये हुए हैं, श्वासों में, यानी कि हर एक आत्मा के भीतर ईश्वर समाये हैं। तो यहाँ तक के ही प्रश्न हमें करने हैं बच्चों। अब आगे दूसरे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के काव्य की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।